क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? आ रही है, लेकिन कुछ सोएगा कैसे? जगह कहाँ है सोने के लिए? आधा तो गिर रहा हूँ बिस्तर पर से। अब बनो मत, इतनी जगह है, मैं ही तुम दोनों के बीच में फंसी हूँ। मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जिसे तकलीफ हो रही हो वही बाहर जाके सोए, हम और तुम यहीं सोएंगे। ठीक है, हम और तुम यहीं सोएंगे। चिपकू कहेंगे। अरे चिपकू नहीं, चोरू का गुलाम, तुम्हारा चौकीदार। तुम यहाँ अंदर सो और मैं बाहर सो, शादी के साथ फिर इसलिए थोड़ी ना लिए, अकेले मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा तो शादी के पहले क्या करते थे? तकिए के साथ सोता था। यानी कि मैं तकिए की जगह आ गई हूँ? थोड़ी और मोटी हो जाओगी ना, तब कुशन बन जाओगी, और उसके बाद गद्दा, और उसके बाद। आप इतने कमजोर कैसे हो गए? शादी के पहले तो आपने बहुत ताकत थी। देखो ना मेरी क्या हालत हो गई शादी के बाद, ना तो बिस्तर रहा ना तो ताकत। देख लो रिचा, शादी के पहले तो तुम मुझे बता रही थी कि ये तुम्हें और मिशा को लेकर पहाड़ चढ़ जाते थे और भाग सकते थे, सब झूठ। झूठ नहीं, वाकई चढ़ते थे, अब पता नहीं क्या हो गया। चुप अंकल की चमची, तुम किसकी साइड पर हो, उनकी या मेरी? जो मुझे इस बिस्तर पे सोने देगा उसकी, मतलब मेरी। गुड नाइट। अब चलो चलो हटो। अरे हटो, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता, बिल्कुल चुपचाप सो जाओ। ओके चलो चुप हो जाओ मेरे बच्चों। बिल्कुल चुप गौतम, मैं तो फिर से गिरा दूंगी। हाँ ओके। रिचा क्या हुआ? मिशा की याद आ रही है? नहीं पता नहीं, किसी की याद नहीं आ रही। गुस्सा आ रहा है? तो नींद आ रही है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा ये बताओ, जब तुम परेशान होती हो तो किसको याद करती हो? परेशान होती हूँ तो याद नहीं आती, मुझे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा तो आता ही है सबको। नहीं सच, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, और जब आता है ना तो भूचाल आ जाता है। फिर तो आपसे बच के रहना पड़ेगा। अपने लोगों पर थोड़ी। अच्छा ये बताओ, जीजा जी से इतनी नाराज क्यों हो तुम? आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझाओ मुझे रिचा, तुम बड़ी हो, समझदार हो, अगर तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कहते भी हैं तो उतना प्यार भी तो करते हैं तुमसे। पता नहीं कहाँ छिपा के रखते हैं अपना प्यार, मुझे तो ना आज तक दिखा ना कभी महसूस हुआ। अच्छा गुस्सा थूक दो और सो जाओ। गुड नाइट। मॉर्निंग आरती। गौतम क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। क्यों आज ही नहीं कर सकता? आ जाएगी तो क्या हुआ, उसे पता है हमारी नई नई शादी हुई है? पागल मत बनो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चाय तैयार है? लेकिन मुंह साफ करना बाकी है। तो जल्दी से कर लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी चाय। बस एक सेकंड में कर लेता हूँ। एक बात तो तय होगी, फ्यूचर में तुम्हारा और कुछ हो ना हो तुम एक चाय की दुकान तो जरूर खोल सकती हो। क्या गौतम, वो बेचारी चुपचाप सुबह से हमारे लिए चाय बना रही है और तुम क्यों उसका ही मजाक उड़ा रहा? बोलने दीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती ऐसी बातों से। कल रात जो आपने मुझे गुरु मंत्र दिया ना,
बस कहने दीजिए कहने दीजिए। यार एक रात मेरी बीवी के साथ अपना बिस्तर क्या शेयर कर लिया? मेरी बीवी ने मेरी सारी पोल खोल दी। और क्या क्या दिया मेरी बीवी ने? मैं क्यों बताऊं, वो हमारी प्राइवेट बातें थी, है ना? तो बोरिंग बातें होंगी, कढ़ाई सिलाई आचार डालने वाली बातें, वही बोरिंग घर गृहस्थी वाली बातें। ए मिस्टर, ये सब बातें नहीं होती ना तो तुम भी यहाँ नहीं होते, और ये चाय भी नहीं होती, और ये जो आराम से बैठे हो ना अखबार लेके कि बीवी नाश्ता लेकर आएगी और रात को आओगे तो खाना तैयार मिलेगा, ये सब भी नहीं होता। खाना वाना कुछ नहीं मिलता आपको, हाँ। और घर गृहस्थी के कामों में उलझे रहते। एक मिनट, तुम दोनों ने कल रात को क्या किया या क्या पिया? तोप की तरह एक के बाद एक गोलियां चलाती जा रही हो। अब मजाक बहुत हो गया, जाओ ऑफिस की तैयारी करो, मैं तुम वहां पे भी तोप से उड़ा दे जाओगे। हाँ ऋचा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी कसम, अब तो बिलीव करोगी ना। लेकिन ऋचा, ऐसे घर छोड़ के चले जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम मेरे आने तक तो इंतजार किया होता। माँ प्लीज, सुबह सुबह मशहूर हो जाओ, तुम्हें पूरी बात मालूम भी नहीं। और तुम पता है, और बाकी का अंदाजा लगा सकती हूँ। आपको बुरा लगा ना, पर पापा को तो नहीं लगा। बस ऋचा, वो तुम्हारे पापा है, इसका मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऋचा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। शायद पापा को भी नहीं हुआ था, इसीलिए किसी के भी सामने कुछ भी बोलते रहते हैं वो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कहा जो तुम्हारे मान और सम्मान को ठेस पहुंची? रहने दो माँ, मुझे नहीं करनी वो बात। कॉलेज नहीं जा रही हो? पता नहीं, शायद नहीं। ठीक है, बड़ी हो गई हो ना, करो जो करना है वो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भला बुरा तुम खुद समझ सकती हो ना। माँ प्लीज, अब इस तरह से सेंटी मत हो जाओ तुम। माँ तुम तो सब समझती हो ना, पापा उस दिन जबरदस्ती मुझे शिवम के साथ भेज रहे थे बाहर घूमने के लिए, उनको कुछ बोलो तो बस डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। माँ मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सब कुछ चुपचाप सह लूंगी, इस तरह से मैं नहीं पिस सकती। ठीक है बाबा, मत पीसो, पर तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, और जरा सब्र किया करो, और कम से कम मेरे बारे में तो सोचो ऋचा। ऐसे घर से चली गई तुम, रात भर में कैसे कैसे ख्यालों में जूझती रही, पता है तुम्हें? क्या पापा के साथ मैं भी बुरी बन गई? वो बात नहीं है माँ, तुम तो पापा को कुछ कहने से रही, और ना ही मिशा कुछ कहती है, किसी को तो उन्हें बताना चाहिए था ना। माँ बहुत हो गया, हम लोग कुछ नहीं कहते, इसका ये मतलब नहीं कि पापा कुछ भी कहते रहे किसी के भी सामने। ठीक है बाबा, जब तुम और तुम्हारे पापा कुछ समझना ही नहीं चाहते तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं होता तुम घर पर वापस नहीं आना, खामखा दोनों वापस झगड़ना शुरू कर दोगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम मेरी फिक्र मत करो। नहीं करती हूँ बाबा, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी, किसी और की तो करो ना। चलो रखती हूँ फोन, अच्छा ठीक है, बाय। अरे जा रहा हूँ, पहले बाय तो कहने दो। बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑफिस जा रहा हूँ। और ऋचा मैडम, आपने ये नहीं बताया आज आप खाने के लिए क्या बनाने वाली हैं। अरे क्यों उसे तंग कर रहे हो, उसे कॉलेज भी तो जाना है। आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। क्यों, अटेंडेंस का क्या होगा? अब आप प्लीज मत शुरू हो जाइए सुबह सुबह, माँ से यही बात हो रही थी मेरी फोन पर, मेरी अटेंडेंस पूरी है। ठीक है, तब तो सारा दिन है तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए। और अगर मैं नहीं बनाऊं तो? नहीं कैसे बनाओगी, कमरे का किराया कौन देगा? ठीक है बताइए क्या है किराया। पहले खाना बनाओ, हम लोग खाएंगे फिर बताएंगे। पागल मत बनो गौतम, वो अगर सारा दिन रसोई में घुसी रही ना तो हम तुम्हारी बुराई कब करेंगे? और बाय द वे, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा ये मेन्यू डिस्कस करने में? यार तुम औरतों के चक्कर में मेरा बैंड बज जाएगा। बज जाएगा? आपका तो बैंड बज गया था ना शादी के टाइम, अब दोबारा बजेगा? दोबारा बारात नहीं होगी, जूते और लात होंगे। ये क्या है? खाना बनाने का एडवांस। ये बात है। ओके। बाय बाय, टाटा, सी यू फाइनली। ऋचा मैडम, अभी तक आपने ये नहीं बताया आप खाने के लिए क्या बनाने वाली हैं। आपने अभी तक पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए। यार बहुत नखरे हैं इस लड़की के। ठीक है, आज शाम को बाहर खाते हैं। तुम भी क्या याद रखोगी गौतम? हाँ पार्टी मनाते हैं शाम को,
पति पत्नी और मैं। हाँ बाबा तुम भी साथ चलना, ओके, बट डोंट बी लेट वरना खाना नहीं मिलने वाला है। और तुम भी आना, नहीं तो बिल कौन देगा? ये है ना अपनी चाय वाली। बाय बाय। बिल्कुल बच्चे हैं तुम्हारे अंकल। अच्छा है बच्चे हैं, अगर हमारे पापा की तरह बड़े होते तो। रिचा गुस्सा थूक दो, क्या हुआ मेरे गुरु मंत्र का? रात गई बात गई। ठीक है बात गई, ये हुई ना बात। रिचा क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? अरे कितना गंदा हो रहा है यहाँ सब। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे, पकौड़ी खाओगे? बिल्कुल, आप तो जो बनाती हैं वो अच्छा बनाती हैं। रिचा ये देखो कौन सी ड्रेस पसंद है तुम्हें, क्या पहनोगी शाम को? ये वाली मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है तो मैं ये पहन लेती। सूट करेगा आप पर, लवली ना, आप ही कहें। मुझे मालूम है ये तुम्हारी फेवरेट जगह है। साथ में पैसे लाई हो ना? पैसे क्यों, फ्री तो आप दे रहे हैं। कमाल है, एक तो हमारा कमरा चाहिए, ऊपर से किराया नहीं देना और ट्रीट भी हम तुम्हें दें। गौतम अब तुम्हारी सुई अटक गई है, क्यों उस बेचारे को कल से परेशान कर रहे हो तुम? उस तरफ उस टेबल। अब ये जो हमारे गले में अटकी उसका क्या करें? तुम इसकी तरफदारी मत करो, इसे पहचानती नहीं हो, शैतान लड़की है ये। जितनी अच्छी बाहर से है ना उतनी अंदर से उतनी ही अच्छी। आरती को बेवकूफ बना रही हो। आइसक्रीम वाली बात बता दूं? जी नहीं बिल्कुल नहीं। देखा तुरंत अपना रंग बदल दिया, मिस अच्छी से मिस बुरी बन गई। आपने फिर से मुझे तंग करना शुरू कर दिया ना। बस यहाँ कोई नाटक नहीं चलेगा, समझी? तो फिर आप मुझे तंग मत करिए। रिचा गुरु मंत्र भूल गई क्या तू? आप हमेशा मुझे को बोलती रहती, इनको कुछ नहीं कहती आप। गौतम तो बेवकूफ है ही, मैंने इन पर अपना टाइम और दिमाग वेस्ट करना छोड़ दिया। अच्छा तुमसे तो बाद में निपट लूंगा। अरे तुम लोगों ने बताया नहीं तुम लोग क्या खाओगे, तुम क्या लोगी? मैं हॉट एंड सार सूप लूंगी। हॉट एंड सार सूप, बिल्कुल रिचा के मूड जैसा। आपने बस फिर से अब मैं जा रही हूं। सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मिस राजकुमारी, आज से तुम मुझे तंग करो, ओके? अब आप कृपया ये बताइए आप क्या खाएंगी? चिकन सूप। चिकन सूप, मुझे भी चिकन सूप चाहिए, शेयर करेंगे? सूप या सूप का बिल? वेल ऑफ कोर्स सूप का बिल। एक्सक्यूज मी, दो सूप चाहिए। और हे भगवान इस घर में कोई अपनी चीजें ठीक तरह से नहीं रखता। भूषण की अलमारी ठीक करो तो बच्चे लोग की बिगड़ी हुई मिलती है। कब सीखेंगे ये लोग चीजों को संभालना और अपने आप को भी। माँ क्या हर वक्त तुम्हें सफाई सोचती है, छोड़ो ना अभी रिचा आएगी तो कर लेगी ना खुद, छोड़ो आप। देख ली रिचा की सफाई, मूड में आएगा तो करेगी वरना उसकी बला से। एकदम अपने पापा जैसी है वो। माँ एक बात बताओ, क्या पहले से ही पापा ऐसे थे, एकदम गुस्से वाले चिड़चिड़े? ये रैकेट देखा तेरा, क्यों नहीं लिया अभी तक नया? हाँ माँ हम पापा के बारे में बात कर रहे थे ना। ले ले नया और मेरे पास से पैसे ले लेना, ठीक है? ओहो अब तू सो जा वरना सुबह उठ नहीं सकेगी। चलो चलो बहुत हो गया, चलो सोने, चलो गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। Thank you.
मॉर्निंग मॉर्निंग। चाय तैयार है? लेकिन मुंह साफ करना बाकी है। तो जल्दी से कर लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी चाय। बस एक सेकंड में कर लेता हूँ। आज आप मुंह साफ नहीं करेंगे? करूंगा ना, चाय के बाद। Yeah.